नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए सब्जेक्ट वाइज जीके जीएस एवं करंट अफेयर के सटेक एवं शानदार स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हम लोग जो जो सब्जेक्ट का स्टडी कर चुके हैं एक बार देख लेते हैं, और सिलेबस क्या है आपका वो भी देख लेना चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो सिलेबस हमेशा जहन में रहना चाहिए, ठीक है। तो आपके सिलेबस में आता है ना हिस्ट्री, जिसको हम लोग स्टडी कर चुके हैं। हिस्ट्री में भारत का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास यानी, और क्या है मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री है। फिर कला एवं संस्कृति, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान यानी कि पॉलिटी, और भूगोल में आता है भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल। ये सब का स्टडी हम लोग कर चुके हैं, है ना, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, जो नहीं देखें वो जरूर देख लीजिएगा। अर्थशास्त्र का भी किया हुआ है, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी स्टडी कर चुके हैं, और कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आविष्कार एवं आविष्कारक का स्टडी कर चुके हैं। यानी अभी तक 13 सब्जेक्ट को हम लोग काफ़ी डिटेल डिस्कशन में VVI एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ स्टडी किए हुए हैं, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न भी रहेगा। तो जो लोग भी नए जुड़े हैं, जो नहीं देखे हैं वो जरूर देख लीजिएगा, और जिनको याद नहीं हुआ है वो एक बार क्विकली रिविज़न जरूर वीडियो कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो प्रश्न पूछा गया है, और VVI एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो करेंट में जो कुछ चीज़ें हैं घटना घटित हुआ है वो सभी आपको बताएंगे, ठीक है। और आगे क्या क्या आपका सिलेबस में है वो भी देख लीजिए, है ना, पुस्तक और सम्मान, और पुस्तक और सम्मान, फिर पुरस्कार और सम्मान, ठीक है, और पुस्तक और लेखक, और महत्वपूर्ण दशक, वर्ष एवं दिवस, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि जो UNO होता है, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय संगठन जिससे प्रश्न पूछा जाता है, स्पोर्ट्स से पूछा जाता है, राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, विविध, और बिहार का सामान्य ज्ञान। तो सभी से हम लोग देखेंगे बारी बारी करके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। पहला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान है, तो भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान वो कौन सा है, तो वो है त्रिशूल, ठीक है। भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान है त्रिशूल, और त्रिशूल कैसी मिसाइल है, तो ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसको ऐसे रिलेट कर लीजिएगा जैसे त्रिशूल, जैसे कि ऐसे गढ़ते हैं त्रिशूल, है ना, तो ये क्या है सतह में और क्या हवा में ऊपर जाता है, ठीक है। तो ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, त्रिशूल क्या है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। और नाग कैसी मिसाइल है, तो नाग जो है एंटीटेक मिसाइल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है ना, और पूछा जाता है नाग, डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जाएगा कि कौन सा एंटी टैंक मिसाइल है या तो टैंक रोधी मिसाइल है, तो नाग जो है ये टैंक रोधी मिसाइल है। और दागो और भूल जाओ इसे भी कहा जाता है ना, दागो और भूल जाओ मिसाइल जो है ये नाग है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना है, और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोग एक्स्ट्रा में देखते हैं, ठीक है। जैसे कि भारत में मिसाइल विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुआ था 1983 में, ठीक है। भारत में मिसाइल विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1983 में हुआ था, और किसके नेतृत्व में, तो APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में ये शुरू हुआ था, ठीक है। जिसे भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, तो APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है, ठीक है। इनके नेतृत्व में ही भारत में मिसाइल कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1983 में, और इनके नेतृत्व में जो मिसाइलें जो बनी थी, ठीक है, और जो अभी तक मिसाइल है इम्पोर्टेंट वो सब देखते हैं, कौन कौन सी मिसाइल कैसी है पूछा जाता है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि अग्नि किस प्रकार की मिसाइल है, यानी कि सतह से हवा कर में मार करने वाली या तो सतह से सतह मार करने वाले, तो इस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो एक शब्द यहाँ देखेंगे, याद रखेंगे क्या, पटना, PATNAA, है ना, इसमें क्या सारा मिसाइल आपको महत्वपूर्ण इसमें आ जाएगा। पटना से क्या हो गया, पी से हो गया पृथ्वी, पृथ्वी कैसी मिसाइल है, तो ये है सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है ना, सरफेस टू सरफेस, ठीक है, सरफेस टू सरफेस ये मार करने वाली मिसाइल है। अग्नि कैसी मिसाइल है, ऐसे हो गया अग्नि, अग्नि कैसी मिसाइल है, तो ये भी सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है, सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। और त्रिशूल जो है, टी से हो गया त्रिशूल, त्रिशूल कैसा है, ये सतह से हवा में मार करने वाली है ना, सरफेस टू एयर, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। नाग किस प्रकार की मिसाइल है, तो नाग जो है टैंक रोधी मिसाइल है, दागो और भूल जाओ ये सब कहते हैं ना,
टैंक रोधी मिसाइल है, तो नाग क्या, टैंक रोधी मिसाइल है। फिर एक ए से क्या हो गया, आकाश, आकाश कैसा है, आकाश है सतह से हवा में मार करने वाली, हर हवा में मार करने वाली मिसाइल है, सतह से हवा में, जैसे त्रिशूल है, त्रिशूल और एक ये आकाश क्या है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और एक ऐसे है अस्त्र, अस्त्र कैसा है, तो ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो त्रिशूल का पहले आकाश का देखते हैं, आकाश क्या, सरफेस टू एयर हो गया, और जो अस्त्र है ये हवा से हवा में, है ना, एयर टू एयर, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अस्त्र का कैसे रिलेट कर लीजिएगा, देखिए जैसे महाभारत चाहे रामायण में अस्त्र जब चलता था जो तीर, तो अस्त्र चलता था क्या, हवा से हवा में चलता था ना, हवा हवा में चलता था, तो वहाँ से याद रख लेना अस्त्र जो है ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, एक बार फिर से समझ लीजिए, पृथ्वी जो है सतह से सतह मार करने वाली, अग्नि जो है ये भी सतह से सतह मार करने वाली है, त्रिशूल जो है ये सरफेस टू एयर है ना, यानी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, नाग जो है ये टैंक रोधी मिसाइल है, और आकाश, आकाश कैसा है, तो सतह से हवा में, और अस्त्र जो है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है, याद रखना है। और पृथ्वी क्या है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है ना, जो कि परमाणु बम ले जाने में सक्षम है, ये ध्यान रखना है। पृथ्वी जो है एक ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु बम यानी कि अधिक, बहुत अधिक वजन ले जाने में ये सक्षम है, ठीक है। अग्नि भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब होता है जो मार करता है ना, ऐसे जैसे यहाँ से छोड़े हैं तो ये ऊपर जाके अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेता है कहाँ है, और ऐसे करके ये वहाँ पर निशाना लगा देता है और वहाँ मार कर देता है, ठीक है। तो ये ऐसे परवलयाकार में ये होता है बैलिस्टिक मिसाइल। और एक होता है क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल होता है ऐसे सीधे मार करती है, ये सीधे जाती है, ठीक है, ये सीधे जाती है क्रूज मिसाइल, ठीक है। क्रूज मिसाइल जो सीधे रेखा में चलती है, जैसे कि ब्रह्मोस, ब्रह्मोस ए और निर्भय, ये सब क्या, क्रूज मिसाइल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा गया ये मायने नहीं रखता, ठीक है। अब यह जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताएं, ये वर्तमान की चीज़ें हैं और ये स्टैटिक जीके है, और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज़ें हम एक्स्ट्रा बताते हैं वीवी एक्स्ट्रा फैक्ट्स, वो चीज़ें ज़्यादा उस पर ध्यान देना, ठीक है, उसको विशेष रूप से याद रखना है, नोट कर लेना है, वीडियो दोबारा देखिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है, तो नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है, तो ये विशाखापत्तनम है। अब देखिए ये क्वेश्चन 2007 में पूछा गया, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है कभी भी पूछा जाएगा, ठीक है, अभी भी पूछा जाएगा, भविष्य में भी पूछा जाएगा, क्योंकि नौसेना का पूर्वी कमान ये कहाँ है, तो ये कहाँ है, विशाखापत्तनम है। पश्चिमी कहाँ है, तो इस टाइप के जो भी चीज़ें याद रखना, जैसे कि देखिए ये हो गया इंडिया का मानचित्र, तो विशाखापत्तनम में नौसेना का पूर्वी कमान जो है, पूर्व इधर हो गया, तो पूर्वी कमान है ये विशाखापत्तनम में, ठीक है, और पश्चिमी इधर हो गया पश्चिम, ठीक है, तो पश्चिमी नौसेना का कमांड कहाँ है, तो ये है मुंबई में, ठीक है, ये भी याद रख लेना है। यहाँ पूर्वी पूछा तो आपको याद रखना महत्वपूर्ण, पूर्वी हो गया विशाखापत्तनम और ये हो गया पश्चिमी मुंबई, और याद रखना है एक दक्षिणी है ना, दक्षिणी नौसेना कमांड का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है कोच्चि में, है ना, केरल के कोच्चि में, ठीक है, केरल के कोच्चि में, यानी कि नौसेना के पास है ना तीन कमांड है, एक पूरब में हो गया विशाखापत्तनम, पश्चिम में मुंबई, और दक्षिण में हो गया कोच्चि में, केरल के कोच्चि में, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और यहाँ याद रखते हैं, जैसे कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, ठीक है, थल सेना दिवस 15 जनवरी को। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब करंट अफेयर के भी कुछ चीज़ें याद रखने देखते हैं कि करंट अफेयर में अभी क्या याद रखना है आपको, थल सेना का वर्तमान अध्यक्ष कौन है ना, थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो वो है मनोज पांडे, ठीक है, थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे है, याद रखना है। और वायुसेना अध्यक्ष जो है वो कौन है, बीआर चौधरी है, वायुसेना अध्यक्ष बीआर चौधरी है, और नौसेना अध्यक्ष है दिनेश कुमार त्रिपाठी, है ना, दिनेश कुमार त्रिपाठी, तो याद रखना है थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे, वायुसेना अध्यक्ष वीआर चौधरी, और नौसेना अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी है। और एक याद रखना है सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो अभी सीडीएस कौन है, तो है ये क्या है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है ना, सीडीएस कौन है, तो
तो अनिल चौहान याद रखना है। अच्छा, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति, जो कि वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। तो ये अति महत्वपूर्ण है, ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ है? तो इसरो कहाँ है, यानी कि इसरो का मुख्यालय पूछा जा रहा है। इसरो कहाँ है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बंगलुरु में है ना, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखते हैं, ये विशेष ध्यान रखना है। जैसे इसरो की स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969 को हुआ था, ठीक है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में हो गया। और इसरो का फुल फॉर्म पूछा जाता है, मान लो इसरो का फुल फॉर्म पूछा जाता है और इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। एक ऑप्शन में रहेगा इंटरनेशनल, एक रहेगा इंडियन, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसका होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है। अच्छा, इसरो का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसरो का पहला अध्यक्ष था विक्रम साराभाई, ठीक है, विक्रम साराभाई पहला अध्यक्ष था। और इसीलिए इसको है ना अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है ना, अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है, ठीक है। करेंट अफेयर में याद रखना है, इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है, याद रखना है। करेंट अफेयर में याद रखना है, इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ, ठीक है, एस सोमनाथ याद रखना है। अच्छा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? मान लो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि यहाँ जो अपना मिसाइल है तो यहीं से सैटेलाइट, यहाँ से सैटेलाइट जो है अपना सब यहीं से छोड़ा जाता है ना, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। जैसे चंद्रयान 1, 2, 3 ये सब कहाँ से छोड़ा गया था? सब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, ठीक है। सैटेलाइट जो है ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही लॉन्च होता है, और मिसाइल जो है उड़ीसा के चांदीपुर से लॉन्च किया जाता है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ याद रखना है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था। डीआरडीओ की स्थापना 1998 में हुआ था ना, डिफेंस रिसर्च है ना डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में हुआ था। और डीआरडीओ का मुख्यालय दिल्ली में, डीआरडीओ दिल्ली, डी से दिल्ली ऐसे रिलेट करना है, डीआरडीओ का दिल्ली। और डीआरडीओ का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत है। करंट अफेयर में याद रखना है, इसरो का वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ और डीआरडीओ का समीर बी कामत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बैलिस्टिक मिसाइल है? तो बैलिस्टिक मिसाइल कौन सा है? बैलिस्टिक मिसाइल यानी जो मार करता है ऐसे, है ना, तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो है अग्नि। अग्नि क्या है? एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, अग्नि एक बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन पृथ्वी क्या? कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। और भारतीय सेना ने पृथ्वी वन को सेवा से वापस ले लिया है और इसकी जगह प्रहार मिसाइल ने ले लिया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, क्रूज मिसाइल कैसा होता है? वो जमीन के समानांतर होता है, ठीक है। क्रूज मिसाइल में आता है कौन? ब्रह्मोस, निर्भय, ये सब क्रूज मिसाइल है, ठीक है। और नाग कौन सी मिसाइल है? नाग है टैंक रोधी मिसाइल है, डागोर भूल जाओ। और त्रिशूल जो है ये क्या? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और पृथ्वी सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। और अग्नि है, अग्नि भी सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, ब्रह्मोस क्या है? मान लो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, मान लो याद रखना है, ब्रह्मोस क्या है? एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और हवा में जो ध्वनि की चाल होती है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। और इसी को कहा जाता है मालूम क्या? एक मेक कहा जाता है, एक मेक बराबर होता है हवा में ध्वनि की चाल के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ से ये जानना चाह रहे हैं हम लोग कि सुपर सोनिक किसे कहा जाता है, सोनिक किसे कहा जाता है, हाइपर सोनिक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे को होता है सुपर सोनिक मिसाइल, को सोनिक मिसाइल, को हाइपर सोनिक मिसाइल, तो उसे कैसे जानेंगे? तो जिसका मान जो है ना एक से कम होगा, जैसे एक मेक से जिसका मान कम होगा वो सब सोनिक मिसाइल कहलाता है, ठीक है। और जिसका एक मेक के बराबर होगा, ठीक है, चाल जिसका एक मेक के बराबर होगा वो कहलाता है सोनिक मिसाइल। और एक मेक से जो जिसका अधिक होगा वो सुपर सोनिक मिसाइल होगा। एक मेक से अधिक और कितना? 5 मेक तक, है ना, 1 से 5 मेक के बीच जो होगा वो सुपर सोनिक मिसाइल होगा। और 5 से अधिक जो होगा,
तो पाँच से अधिक कहाँ तक, दस तक है ना, पाँच से दस तक जो होगा वो होगा, पाँच से दस तक जो होगा वो हाइपरसोनिक मिसाइल कहलाता है, ठीक है। पाँच से दस तक जो होगा हाइपरसोनिक, और फिर दस से पच्चीस के बीच जो होगा वो हाई हाइपरसोनिक मिसाइल कहलाता है ना, हाई हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। तो मेन मोटा मोटी चीज़ ये याद रखना है कि सुपरसोनिक मिसाइल किसे कहते हैं, जिसका मेक जो मान होता है वो एक से अधिक होता है और पाँच के बीच होता है ना, पाँच तक होता है, सुपरसोनिक हो गया। हाइपरसोनिक में आ जाएगा पाँच से अधिक, दस के बीच होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये वाला एक से पाँच तक होगा सुपरसोनिक मिसाइल, और हाई हाइपरसोनिक हो जाता है दस से पच्चीस के बीच, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से कराया गया था। तो आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से कराया गया था, तो आर्यभट्ट जो कि भारत का क्या पहला उपग्रह है, आर्यभट्ट ही, जिसे कहाँ से, रूस से ये प्रक्षेपित कराया गया था ना, सोवियत संघ से, ठीक है, सोवियत संघ से प्रक्षेपित कराया गया था, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह है कौन, ये आर्यभट्ट ही है, ठीक है। और भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट ये कब लॉन्च किया गया था, तो 19 अप्रैल 1975 को, है ना, 19 अप्रैल 1975 को ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो याद रखना है, अच्छा, भारत का ये पहला उपग्रह है आर्यभट्ट, ठीक है। भारत का प्रथम स्वदेशी उपग्रह कौन सा है, यानी कि पूरी तरह से भारत में ही निर्मित वो स्वदेशी उपग्रह कौन सा है, तो वो है रोहिणी, ठीक है, याद रखना है, वो है रोहिणी, भारत का प्रथम स्वदेशी उपग्रह रोहिणी है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है, तो वो है एप्पल, ठीक है। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं, तो याद रखना है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह रोहिणी, और भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल, और भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तो वो है अप्सरा, ये भी याद रखना है, वो है क्या सर, अप्सरा, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था, तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित किया था ट्रॉम्बे में, ट्रॉम्बे कहाँ, मुंबई में, ठीक है। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ है मालूम, तो ये भी है वहीं पे ट्रॉम्बे में, ठीक है, ट्रॉम्बे मुंबई में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुआ था, तो 3 जनवरी 1954 को हुआ था, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है, यानी कि बार्क है, इसका पुराना नाम क्या है, तो इसका पहले नाम क्या था, तो इसका पहले नाम था AEET, यानी कि एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट, है ना, एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, AEET इसका नाम था। तो यह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन क्या है, जब डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना है। बार्क का पहला नाम क्या था, ये था AEET। इसरो का पहला नाम क्या था, तो वो याद रखना है, इनकोसपार था, इसरो का पहला नाम था इनकोसपार, है ना, इनकोसपार था, याद रखना है, इनकोसपार, ठीक है, इनकोसपार यानी कि इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था, तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए परमाणु रिएक्टर पहला स्थापित किया था ट्रॉम्बे में। अब इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है ये कोटा ये कहाँ है, ठीक है, और ये जैसे पूछ लिया जाएगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है ये तारापुर कहाँ है, किस राज्य में है, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें आपको महत्वपूर्ण याद रखना है, जैसे पूछा जाता है कई बार कि केगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है, तो ठीक है ये सब याद रखना है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, कोटा कहाँ है, राजस्थान में है, और रावतभाटा परमाणु रिएक्टर भी कहाँ है, तो ये भी राजस्थान में, कोटा और रावतभाटा, रावतभाटा राजस्थान, रावतभाटा राजस्थान। और नाभिकीय जो ऊर्जा संयंत्र तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र में, ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र में हो गया। और कल्पक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में, और कुडनकुलम भी तमिलनाडु में, कल्पक्कम और कुडनकुलम तमिलनाडु में। और नरोरा जो परमाणु संयंत्र है ये कहाँ है, नरोरा यूपी में, नरोरा यूपी में, कैगा कर्नाटक में है, ठीक है। तो ऐसे ही चीज़ें याद रखना है, ठीक है। अच्छा, नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने किया था, तो नाभिकीय रिएक्टर की खोज किया था एनरिको फर्मी ने किया था, याद रखना है, एनरिको फर्मी ने किया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय रक्षा अकेदमी स्थित है, तो राष्ट्रीय रक्षा अकेदमी कहाँ है मालूम, नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है
ये कहाँ है, तो ये आपने पढ़ा होगा कहाँ, खड़गवासला में, ठीक है। ऑप्शन में खड़गवासला है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये पुणे होगा, इसका करेक्ट आंसर है पुणे में, ठीक है। पुणे के पास खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी स्थित है, ठीक है, याद रखना है, पुणे के पास खड़गवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी स्थित है, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, जैसे कि पूछा जाएगा आपसे कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक कहाँ है, तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक ये हैदराबाद में है, ठीक है। जैसे डीएनए किसी के सैंपल लेते हैं, ठीक है, उसकी जाँच करना चाहते हैं, तो वो वहीं पर होता है ना, हैदराबाद में होता है इसका, ठीक है। और सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ है, तो वो भी हैदराबाद में है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, सुदूर संवेदी संस्थान, सुदूर संवेदी संचार संस्थान कहाँ है, तो हैदराबाद में, ठीक है। और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो देहरादून में है, ठीक है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है, तो वो मुंबई में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भी देहरादून में है, भारतीय वन अनुसंधान और भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भी देहरादून में, याद रखना है। तो देहरादून में कितने, तीन हो गए, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भी देहरादून में है। और भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है, तो वो पुणे में है, ठीक है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे में और मौसम वेधशाला जो है, वेधशाला वो भी पुणे में है, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय सुरक्षा तंत्र में ध्रुव क्या है, तो भारतीय सुरक्षा तंत्र में ध्रुव क्या है, ये उच्च तकनीक हेलीकॉप्टर है ना, हेलीकॉप्टर का नाम है, ये उच्च तकनीक हेलीकॉप्टर का नाम है ध्रुव, ठीक है, याद रखना है। ध्रुव हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित और निर्मित एक बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके द्वारा विकसित किया गया ध्रुव एक हेलीकॉप्टर है। नेक्स्ट है, 4G मोबाइल तकनीक किसने प्रारंभ की, तो 4G मोबाइल तकनीक किस देश ने प्रारंभ किया था, तो ये किया था चीन ने, ठीक है, चीन ने किया था 4G मोबाइल तकनीक, ये चीन से प्रारंभ हुआ था, चीन कई चीज़ें शुरुआत किया, ठीक है, उसको याद रखना है। चीन कोरोना कहाँ से फैला था, तो चमगादड़ चीन ने ही फैलाया था, ठीक है, चमगादड़ चीन से ही कोरोना भी फैला था। अच्छा, कागज़ का उत्पादन करने वाला पहला देश, वो भी चीन है। पतंग उड़ाने की कला की शुरुआत कहाँ से हुई, वो भी चीन से हुआ। और रेशम का उत्पादन करने वाला वो पहला देश कौन सा है, तो वो भी चीन है। और सिविल सेवा परीक्षा लेने वाला पहला देश चीन है। और कागजी नोट जारी करने वाला पहला देश वो भी चीन है, ठीक है, याद रखना, कागजी नोट जारी करने वाला पहला देश चीन है। लेकिन अगर पूछे कि बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा है, तो वो है स्वीडन, ठीक है, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। अच्छा, 4G शुरू किया था चीन, 5G सेवा किसने शुरू किया, तो 5G सेवा शुरू किया है दक्षिण कोरिया ने, ठीक, याद रखना है, दक्षिण कोरिया ने किया है 5G सेवा की शुरुआत, ठीक है। अब भारत में 4G सेवा की शुरुआत कब हुआ, तो भारत में 4G सेवा की शुरुआत 2012 में हुआ था। भारत में 5G सेवा की शुरुआत कब हुआ, तो 2022 में हुआ था, ठीक है, 12-10-22, ठीक, ऐसे याद रख लेना है। 4G सेवा भारत में हुआ 2012 में, 5G सेवा जो भारत में हुआ 2022 में हुआ। और 2022 में जो 5G सेवा है, ये शुरू किया था किस कंपनी ने, तो एयरटेल ने सबसे पहले शुरू किया था, ठीक है। अच्छा, आम जनता के लिए भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, तो आम जनता के लिए भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1995 में हुआ था, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की है, ठीक है, तो ये पुराना क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की है, तो ये किया है किसमें, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संसाधिकरण, ठीक है, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संसाधनीकरण में ये उल्लेखनीय उन्नति किया है, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना है आपको कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये कल्पक्कम तमिलनाडु में है ना, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कल्पक्कम तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, तो भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, वायुसेना की बात हो रही है, यानी कि टचिंग द
स्काई विथ ग्लोरी, है ना, टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी, है ना, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है। कुछ आदर्श वाक्य अति महत्वपूर्ण है जो कि याद रखना है आपको, जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य क्या है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य यतो धर्मस्ततो जयः, यतो धर्मस्ततो जयः, ठीक है। अब एक बार क्या बात है कि बिहार एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था कि रो का है ना रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी कि अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग का आदर्श वाक्य क्या है, ठीक है। अब रो का जब आदर्श वाक्य पूछा गया है तो उसमें नहीं, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारो यही क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन में ही था कि धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मो रक्षति रक्षितः, ये किसका आदर्श वाक्य है, तो कई लोग सुप्रीम कोर्ट आंसर कर दिया था, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है धर्मो रक्षति रक्षितः ये रो का आदर्श वाक्य है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का है धर्म यतो धर्मस्ततो जयः, यतो धर्मस्ततो जयः, यानी कि जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, ये सुप्रीम कोर्ट का वाक्य है, आदर्श वाक्य है। या और जो धर्मो रक्षति रक्षिता है, यानी कि धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है, ठीक है। तो ये जो है ये है रो का आदर्श वाक्य, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर से समझिए, सुप्रीम कोर्ट का है यतो धर्मस्ततो जयः, और रो का क्या है आदर्श वाक्य, धर्मो रक्षति रक्षितः, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब रही बात वायुसेना की, बात आइए तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है, मनोज पांडे, वायुसेना अध्यक्ष बीआर चौधरी, और नौसेना अध्यक्ष कौन है अभी, दिनेश कुमार त्रिपाठी, और सीडीएस कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो वो है अनिल चौहान है, ठीक है, ये याद रखना है। सर्वोच्च सेना का कमांडर जो होता है, सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है, अभी वर्तमान कौन, द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट है कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर स्थित है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर स्थित है, तो ये शिमला में है, ठीक है, शिमला में। एक और संस्थान याद रखना है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो शिमला में, ठीक है, याद कैसे रख लेना, देखिए केंद्रीय आलू है ना, तो आलू और शिमला मिर्च मिलाकर सब्जी बनाएंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है, तो इससे रिलेट कर लेना है आलू और शिमला, तो आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ऑप्शन में जब भी देखेंगे शिमला मिर्च तो टिक कर देना, ठीक है, ऐसे याद रखना है। अच्छा भोपाल में क्या है, मालूम एक क्वेश्चन आता है भोपाल से कि भारत भवन कहाँ है, तो भोपाल में, ऐसे याद रखना है इसको, भारत भवन भोपाल है ना, भो भो भो, भारत भवन भोपाल, ठीक, ऐसे याद रख लेना है। भोपाल से एक क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा गया, यार कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जहाँ नहीं पूछा गया, कौन सा क्वेश्चन है वो, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का स्त्राव हुआ था, किस गैस लीक हुआ था, कौन सा गैस, तो मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस है ना, मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस, इसमें भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में हुआ था, यूनियन कार्बाइड कंपनी में हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है। अब रही बात चंडीगढ़ का, तो रॉक गार्डन जो है, रॉक गार्डन का चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ के संस्थापक कौन है, ली कार्बुजियर है ना, चंडीगढ़ का डिजाइन किसने किया था, तो ली कार्बुजियर ने किया था। एक डायरेक्ट आया क्वेश्चन कि रॉक गार्डन कहाँ है, तो ये चंडीगढ़ में, ठीक है। रही बात बेंगलुरु की, तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, और भारत में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है, तो वो बंगलुरु में है। नेक्स्ट है, उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है जो 6/8/2012 को मंगल ग्रह पर उतरा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पुराना है, ठीक है ना, 2012 में पूछा गया है, उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, तो उस समय का ये क्वेश्चन करंट अफेयर था, ठीक है, कि उस अंतरिक्ष का नाम क्या है जो 6/8/2012 को मंगल ग्रह पर उतरा है, तो इसका आंसर क्या हुआ था, क्यूरियोसिटी है ना, क्यूरियोसिटी, ठीक है। तो अब ये महत्वपूर्ण नहीं है ज़्यादा, ठीक है, ये इससे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो चीज़ें आप ध्यान से सुनना है, ठीक है, वो याद रखना है। मंगलयान कब लॉन्च किया गया था, तो मंगलयान को लॉन्च किया गया था 2013 में, ठीक है, और मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो कि श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब करेंट अफेयर से याद रखना है, जैसे कि चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था वर्तमान में, यही सभी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, कब लॉन्च हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो चंद्रयान 2 जब लॉन्च हुआ था, तो चंद्रयान प्रथम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च हुआ था, इसलिए चंद्रयान 3 का याद रखना है आपको कि कब कब लॉन्च हुआ था, ठीक है। चंद्रयान प्रथम जो है, चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च हुआ था, तो ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था, याद रखना 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान प्रथम लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 2 जो है ये कब लॉन्च हुआ था, ये 22 तारीख तो 22 ही है लेकिन जुलाई है,
ठीक है, 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था ये, ठीक है। और चंद्रयान थ्री कब लॉन्च हुआ था, तो ये लॉन्च हुआ था, चंद्रयान थ्री लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को, है ना, 14 जुलाई 2023 को। तीनों डेट याद हो गया, चंद्रयान प्रथम 2008, चंद्रयान टू 2019 और चंद्रयान थ्री 2023 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। और चंद्रयान थ्री जो है ये लैंड कब किया था, सफलतापूर्वक ये लैंड कर गया था, ये कब किया था, 23 अगस्त 2023 को, है ना, 23 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर ये लैंड कर गया था, ठीक है। तो ये याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस, और ये महत्वपूर्ण और ये चीज़ें हैं कि चंद्रयान थ्री कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो आपको याद रखना है चंद्रयान वन टू और थ्री ये तीनों एक ही जगह से लॉन्च किया गया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया, जो कि श्रीहरिकोटा में है, कहाँ, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये अति महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र याद रखना है, श्रीहरिकोटा याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लिया गया श्रीहरिकोटा कहाँ है, ठीक है ना, तो याद रखना है श्रीहरिकोटा जो है ना, देखिए चंद्रयान वन टू थ्री जो है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया तीनों चंद्रयान, ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी मिसाइल, कौन सी भारतीय मिसाइल या नाभिकीय आणविक अस्त्रों को ले जाने में सक्षम है, ठीक है, आणविक या नाभिकीय अस्त्रों को ले जाने में सक्षम है। तो आपको बताए थे कि जो परमाणु बम को ले जाने में भी सक्षम है कौन सा, वो पृथ्वी है ना, एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि ये परमाणु बम को ले जाने में भी सक्षम है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और भारत में मिसाइल कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, तो 1983 को शुरू हुआ था APJ अब्दुल कलाम जो के नेतृत्व में। और भारत में जो मिसाइल प्रणाली के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है, ठीक है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, APJ अब्दुल कलाम को। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, टेसी थॉमस को कहा जाता है। देखिए मिसाइल मैन पूछे तो APJ अब्दुल कलाम, और मिसाइल वुमेन पूछे है ना, तो वो है टेसी थॉमस, ठीक है, याद रखना है टेसी थॉमस, ठीक है, याद रखना है। और रही बात त्रिशूल की, त्रिशूल कैसा मिसाइल है, तो ये सरफेस टू एयर है ना, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और पृथ्वी कैसे है, तो ये सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। और नाग तो बताए थे ना कि ये टैंकरोधी मिसाइल है, और टैंकरोधी मिसाइल है डागोर, भूल जाओ। नेक्स्ट है कि लाइफ लाइन एक्सप्रेस है, तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है, तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या मालूम, तो ये है भारत में रेल परिचालन पर विश्व का प्रथम चिकित्सालय, लाइफ लाइन एक्सप्रेस भारत में रेल परिचालन पर विश्व का प्रथम चिकित्सालय है, ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा एक अंतरिक्ष यान है, तो कौन सा एक अंतरिक्ष यान है, तो इसमें कासिनी जो है ना एक अंतरिक्ष यान है, मालूम कासिनी जो है ये नासा यूरोपीय और इटावली यानी कि इटली के अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त मिशन है कैसिनी, ठीक है, कैसिनी भी कहीं देगा, तो याद रखना है कैसिनी किस ग्रह का, ये किस ग्रह का मिशन है मालूम, तो ये है शनि ग्रह का, ये शनि ग्रह का मिशन है कैसिनी, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से देश को सेलिने वन चंद्र ऑर्बिटर मिशन या तो अभियान है, यानी किस देश का है ये सेलिने वन जो चंद्र ऑर्बिटर मिशन अभियान है ये किस देश का है, तो ये जापान का, ठीक है, याद रखना है ये जापान का है। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। जापान की मुद्रा का नाम क्या है, येन है ना, जापान की मुद्रा येन है। नेक्स्ट है कि इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया, यानी कि अंतरिक्ष में पहली बार जब व्यक्ति कब गया था, तो ये गया था कब, 1961 में गया था ना, अंतरिक्ष में पहली बार व्यक्ति कब गया था, 1961 में, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें याद रखना है, ध्यान रख सुनना है, ठीक है। जैसे अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा है, तो वो है यूरी गागरिन, ठीक है, यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति है, किस देश का था, तो ये रूस का था। और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला देश कौन सा है, तो वो रूस है, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन सा है, तो वो है कुतिया, लाइका नाम का कुतिया है, ठीक है। और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला यान भी पूछा जाता है, कौन सा यान है, तो वो स्पुतनिक 1 है ना, स्पुतनिक 1 है। ये चीज़ें याद रखना है, एक बार फिर समझिए, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन, पहला देश रूस, पहला जानवर लाइका नाम का कुतिया, और पहला यान जो है वो स्पुतनिक 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर और चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है, नोट भी कर लेना अगर
आपको याद नहीं एक बार में रह पाता, वीडियो दोबारा भी देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि अंतरिक्ष में तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन है, तो एलेक्सी लियोनोव है, एलेक्सी लियोनोव। और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन सा है, तो कौन है, तो वो है राकेश शर्मा, 1984 में गया था ना, राकेश शर्मा पहला भारतीय जो है अंतरिक्ष में जाने वाला 1984 में गया था। अंतरिक्ष में जाने वाला पहली भारतीय महिला कौन है, तो वो कल्पना चावला है, ठीक है, कल्पना चावला है, ठीक है। अच्छा अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व की पहली महिला कौन है, तो वो थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा, रूस की है ना, वेलेंटिना तेरेस्कोवा, भारत की है कल्पना चावला है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। देखिए पहला कौन है, एक बार एग्जाम में दूसरा भी पूछ लिया जाए कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है, तो दूसरा व्यक्ति है बज एल्ड्रिन, है ना, बज एल्ड्रिन, और तीसरा व्यक्ति है कॉनराड, है ना, याद रखना है। तो चंद्रमा पर जो व्यक्ति सीरियल से गया, और सीरियल से याद भी रख जाए, ए बी सी, ठीक है, पहला है नील आर्मस्ट्रांग, ए से आर्मस्ट्रांग, बी से बज एल्ड्रिन, और तीसरा है कॉनराड, ठीक है, ए बी सी, ऐसे याद रख लेना है, ठीक है। और जो नील आर्मस्ट्रांग है ये कहाँ का है, अमेरिका का है, यानी कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला जो पहला देश गया था वो अमेरिका है, और अंतरिक्ष में वो रूस है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है ये मनाने की घोषणा कब किया गया मालूम, ये जैसे कि चंद्रयान 3 जो है ये लैंड किया था चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था 23 अगस्त 2023 को, तो उसी दिन को यानी 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा किया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और याद रखना है कि जिस स्थान पर जो चंद्रयान 3 लैंड किया है उस स्थान का नाम क्या रखा गया, मालूम शिव शक्ति पॉइंट, है ना, शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। नेक्स्ट है नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र यहाँ स्थित है, तो नरोरा नाभिकीय केंद्र स्थित कहाँ है मालूम, तो इसको बताए थे नरोरा कहाँ, यूपी में, है ना, नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ है, तो ये है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ, उत्तर प्रदेश में। और तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में, कैगा कर्नाटक में, और कल्पक्कम और ये कुडनकुलम ये दोनों है तमिलनाडु में, और काकरापार गुजरात में, काकरापार नाभिकीय जो शक्ति केंद्र है गुजरात में है, और रावतभाटा राजस्थान। अब भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो ये ट्रॉम्बे मुंबई में है ना, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है भारत में किस देश का उपग्रह अपने यहाँ से लॉन्चिंग कर विश्व बाजार में अपना पांव रखा, भारत में किस देश का उपग्रह यानी कि किसी दूसरे देश का उपग्रह अपने भारत में लॉन्च किया, भारत लॉन्च किया, जैसे कि अपना आर्यभट्ट है रूस द्वारा लॉन्च किया गया था रूस से, ठीक है, उसी तरह भारत में किस देश का उपग्रह लॉन्च किए, तो ये किया है कहाँ का मालूम, ये इटली का उपग्रह को भारत से लॉन्च किया गया है, ठीक है, लॉन्चिंग कर विश्व बाजार में अपना पांव रखा भारत, ठीक है। अच्छा भारत ने अपना पहला उपग्रह कब लॉन्च किया था, तो 19 अप्रैल 1975 को, ठीक है, 19 अप्रैल 1975 को रूस से ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। अच्छा इटली की राजधानी का है, तो वो है रोम, 7 पहाड़ियों का नगर भी इसे कहा जाता है, और इटली का मुद्रा क्या है मालूम, यूरो। इटली का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, जियोर्जिया मेलोनी, इटली का वर्तमान प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट है भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए प्रस्तावित स्थान है, तो भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए प्रस्तावित स्थान है, तो वो कौन सा है, वो है रांची, रांची से। और कुछ याद आ रहा है, भारत का जो ये लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ है, रांची में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया, तो 1960 में किया गया था पंतनगर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, पंतनगर उत्तर प्रदेश में। और एक पूसा संस्थान के नाम से लोकप्रिय भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना मूल रूप से पूसा बिहार में एक अमेरिकी समाज सेवक है ना मिस्टर हेनरी फिप्स द्वारा 1905 में किया गया था, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। और लौह अनुसंधान संस्थान रांची में। अच्छा एक क्वेश्चन आता है अगर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, तो ये दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में, ये याद रखना है। नेक्स्ट है भारत का पहला सफल रक्षा उपग्रह इसमें से कौन सा है, तो भारत का पहला सफल रक्षा उपग्रह इनमें से कौन सा है,
तो वो है जी सेट 7 है ना, इसका करेक्ट आंसर है जी सेट 7 है, ठीक है। और जी सेट का फुल फॉर्म क्या था मालूम? जी सेट का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट, है ना, जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट होता है। और इन सेट 7 जो है, तो इन सेट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इन सेट का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल सेटेलाइट सिस्टम, है ना, इंडियन नेशनल सेटेलाइट सिस्टम होता है, ठीक है, तो ये याद रखना है। और ब्रह्मोस क्या मालूम? तो ब्रह्मोस का नाम किस पे रखा गया मालूम? तो ये रखा गया मालूम, ब्रह्मपुत्र नदी, है ना, भारत का ब्रह्मपुत्र नदी, और रूस का है मस्कोवा नदी, है ना, रूस का मस्कोवा नदी, ये दोनों के नाम पर रखा गया, यानी कि भारत और रूस का ये संयुक्त ये मिसाइल है ब्रह्मोस, ठीक है। तो भारत का ब्रह्मपुत्र नदी और रूस का मस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया ब्रह्मोस, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत द्वारा विकसित नई सतह से सतह मिसाइल को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत द्वारा विकसित नई सतह से सतह मिसाइल को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है किस नाम से? तो प्रगति के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, अभी वर्तमान में नया कौन सा हो गया सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल? तो अग्नि 5 है ना, मारक क्षमता उसकी 5000 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, केपलर 78b जिसकी खोज हाल में हुई, तो केपलर 78b ये क्या है मालूम? ये है एक ग्रह है, ठीक है, एक ग्रह का नाम है केपलर 78b जिसका खोज हाल ही में हुआ था, और कब हुआ था? तो ये 2013 में इसका खोज हुआ था, ठीक है। अच्छा, ग्रहों का गति का नियम किसने दिया था? गति का नियम तो न्यूटन ने दिया था, ठीक है, ग्रहों का गति का नियम पूछे तो वो है जोहान्स केपलर है ना, केपलर याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना का पहला थल सेना अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय सेना का पहला थल सेना अध्यक्ष था ये जनरल एम करियप्पा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला थल सेना अध्यक्ष जो है ये पूछा गया, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो भारतीय सेना का पहला थल सेना अध्यक्ष जो है जनरल एम करियप्पा है, तो आपको याद रखना है नौसेना का भी और वायुसेना का भी। तो भारतीय नौसेना का पहला अध्यक्ष कौन था? वो था आरडी कटारी, ये वाला है ना, आरडी कटारी ये है भारतीय नौसेना का पहला अध्यक्ष, है ना, ये थल सेना का हो गया करियप्पा और नौसेना का हो गया आरडी कटारी, ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, करेंट अफेयर में आपको याद रखना है महत्वपूर्ण चीज़ें, भारतीय वायुसेना का भी याद रख लेना है, कौन? सुब्रतो मुखर्जी, भारतीय वायुसेना का है सुब्रतो, भारतीय वायुसेना का पहला अध्यक्ष है सुब्रतो मुखर्जी, एक बार फिर समझिए, ठीक है, थल सेना का पहला अध्यक्ष है करियप्पा और वायुसेना का पहला अध्यक्ष है सुब्रतो मुखर्जी और नौसेना का पहला अध्यक्ष है आरडी कटारे, ठीक है। और करेंट अफेयर में आपको याद रखना है वर्तमान में थल सेना का अध्यक्ष कौन है? तो वो है मनोज पांडे, और वायुसेना अध्यक्ष अभी कौन है? बीआर चौधरी है, और नौसेना अध्यक्ष अभी कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी है। थल सेना अध्यक्ष कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। वायुसेना जो दिवस है कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। और नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्तमान में अभी CDS कौन है? तो वो है अनिल चौहान है, ठीक है। सेनाओं का, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। तो इतने सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 1 वीडियो होता है समाप्त। पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बिहार का एकमात्र रामसर साइट कौन सा है? तो वो है कांवर झील है, कहाँ? बेगूसराय में है। और आज का क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में अस्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना है ना? आपको बताना है किसका बना है, लकड़ी का, मिट्टी का, ईंट का, है ना, शीशे का, तो किसका बना है तो आपको बताना है, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।